हेलो फ्रेंड्स, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। लक्ष्मी का हाथ हो, सरस्वती का साथ हो, गणेश का निवास हो और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। नवरात्रि के उपलक्ष्य में मैंने साबूदाने की खीर बनाई है। इसे व्रत में भी खाया जा सकता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन या कढ़ाई लें और उसमें प्योर घी डालें। घी जब हल्का सा गर्म हो जाए तो उसमें अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स डालें और उन्हें फ्राई करें। मैंने काजू, पिस्ता और किशमिश ली है। ड्राई फ्रूट्स को हमेशा मीडियम या स्लो फ्लेम पे ही फ्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और ये देखिए, हमारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो गए हैं। इन्हें प्लेट में निकाल के अलग रख लें। और अब सेम पैन में 3 कप के करीब दूध डाल दें। मैंने फुल क्रीम मिल्क का यूज किया है। बीच बीच में दूध को चलाते रहें, नहीं तो ये नीचे बॉटम में चिपक जाएगा और फिर खीर का टेस्ट एकदम खराब हो जाएगा। सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। मैंने अपने चैनल में बहुत सारे डेजर्ट्स की रेसिपी अपलोड की है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। दूध अब अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब आप इसमें सोक किए हुए साबूदाना डाल दें। ये साबूदाना मैंने 2 घंटे पहले गर्म पानी में सोक किए थे। कुछ लोग साबूदाना खीर बनाने के लिए सोक किए हुए साबूदाना को प्योर घी में रोस्ट करते हैं। साबूदाना खीर को अब करीब 5 मिनट के लिए ढक के पका लें। देखेंगे कि ये थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। अब इसे साबूदाना लेकर के आप चेक कर लीजिए ये पके हैं कि नहीं। अगर थोड़े कच्चे लग रहे हैं तो आप इन्हें 5 मिनट और पका लें। वैसे सोक किए हुए साबूदाना जल्दी पक जाते हैं। अब इसमें आप ड्राई फ्रूट्स डाल दें, वही सेम ड्राई फ्रूट्स जो हमने स्टार्टिंग में प्योर घी में फ्राई किए थे। खीर बनाने के पूरे प्रोसेस में फ्लेम हमेशा मीडियम या स्लो ही रखें। अब खीर को और फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें इलायची पाउडर या कार्डमम का एसेंस डाल दें। और अब बारी आती है चीनी की। चीनी आप अपने स्वाद के हिसाब से डालें। मैंने 1/2 कप शुगर का यूज किया है। अगर आप शुगर नहीं डालना चाहते हैं तो उसकी जगह आप डेट्स का यूज कर सकते हैं। डेट्स के बीज को निकाल करके उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके आप इसे डाल दें, आपको शुगर की कमी महसूस नहीं होगी। शुगर डालने के बाद आप इसे लगातार चलाते रहें। और ये देखिए, 10 मिनट के अंदर हमारी साबूदाना खीर बनके तैयार हो गई है। कितनी यम्मी लग रही है, पर इसे टेस्ट मत करिएगा। इसे एक बोल में निकालें और देवी माँ को प्रसाद के रूप में चढ़ा लें और फिर कुछ देर बाद ही आप इसका टेस्ट करें। खीर की गार्निशिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपको जैसा पसंद हो वैसे। मैंने इसको बारीक कटे हुए बादाम के साथ गार्निश किया है।
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। नवरात्रि की आपको ढेरों शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।